हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। हम लोग पढ़ रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर वन, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन की। और आइए हम लोग अपने टर्म पे चलते हैं। स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट के बाद आज हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन की बात करेंगे और कंसंट्रेशन टर्म्स के कुछ फॉर्मूले को देखेंगे। तो हमको पढ़ना क्या है आज? आज हम लोग को पढ़ना है एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म ऑफ अ सॉल्यूशन। यानी जब भी हम लोग कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो वहाँ पे उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट रहता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से के होमोजेनियस मिक्सचर को ही बोलते हैं हम लोग सॉल्यूशन बन गया। अब बात करेंगे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के फार्मूले होते हैं जिससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आइए बात करते हैं पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने देखिए सॉल्यूशन के बारे में पहले थोड़ा मोड़ा पढ़ा है इसके प्रीवियस क्लासेस में, बहुत ही बेसिक। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो फॉर्म कैसे होता है, सॉल्यूशन के कौन कौन से हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर बात की जाए एक बेसिक सॉल्यूशन की, तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा मैटर के स्टेट्स में होमोजीनियस मिक्सचर और हेटरोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में। तो अगर बात करेंगे मिक्सचर की, तो देखिए यहाँ पे है क्या, तो मिक्सचर हमारे पास देखिए टू टाइप्स के फॉर्म होते हैं। अब यहीं से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन को समझेंगे, फिर चलेंगे कंसंट्रेशन की तरफ और फिर उसके फॉर्मूले को बनाएंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मिक्सचर है क्या। तो देखिए मिक्सचर का मतलब ही है कि कुछ भी हम लोग सॉलिड लिक्विड गैसेस आपस में क्या करें, ऐड कर दें। यानी कोई भी हमारे पास मैटर का फिजिकल स्टेट है, ठीक, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग फिजिकल स्टेट को आपस में मिक्स कर दें या दो से ज़्यादा भी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर्स को एक दूसरे में मिक्स कर दें, तो वहाँ से हमारे पास क्या होगा, एक मिक्सचर बन के आ जाएगा। जैसे अगर मैंने लिक्विड में लिक्विड ऐड कर दिया या लिक्विड में सॉलिड, सॉलिड में लिक्विड गैस, कुछ भी इस तरह से ऐड करते हैं तो मिक्सचर बनता है। मिक्सचर का मतलब कोई भी कंपोनेंट्स को हम लोग क्या करें, मिक्स कर दें बस। लेकिन वो डिपेंड करता है कि मिक्सचर किस तरीके का फॉर्म हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे एक लिया, हमारे हमने क्या किया, एक लिक्विड मिक्सचर लिया, ठीक है, जैसे मैंने अगर ले लिया यहाँ पे कोई लिक्विड, जैसे अगर मैंने यहाँ पे ले लिया वाटर और इस वाटर के अंदर हम लोगों ने ऐड कर दिया कोई शुगर, ठीक, वाटर मैंने ऐड कर दिया शुगर। तो अगर इसे डिसॉल्व कर दिया जाएगा तो कुछ समय बाद हम लोग देखेंगे कि जो शुगर के पार्टिकल हैं वो विजिबल नहीं है, वह दिख नहीं रहे हैं, ये पूरे मिक्सचर के अंदर बराबर क्या हो गए, सेपरेट हो गए, मिक्स हो गए अच्छे से, ठीक। अगर मैंने यही काम किया एक बार और, वाटर लिया और वाटर में मैंने ऐड कर दिया कोई चाक पाउडर, ठीक, मैंने ऐड कर दिया चाक पाउडर उसी वाटर में। तो यहाँ पे देखा गया कि ये जो चाक पाउडर है कुछ समय बाद ये सॉल्यूशन को क्या कर रहा है, ये मिक्सचर को पूरा ब्लर कर दे रहा है, वाइट कर दे रहा है। इसको छोड़ देंगे, धीरे धीरे चाक पाउडर क्या होगा, नीचे सेटल डाउन होना शुरू कर जाएगा। अब दोनों में देखिए है क्या, ये हमेशा क्या होगा, इसी तरह से दिखेगा, ये पूरा क्या होगा, वाइट कलर का दिखेगा, ये ट्रांसपेरेंट टाइप का रहेगा, ये वाइट हो जाएगा। इसके पार्टिकल धीरे धीरे सेटल डाउन हो रहे हैं, इसके पार्टिकल एज इट इज रहेंगे। तो ये भी मिक्सचर है हमारे पास और ये भी क्या है, एक मिक्सचर ही है। अब इन दोनों मिक्सचर में देखिए चेंजिंग अंतर क्या है, यहाँ पे हम बता सकते हैं कि हमारे पास देखिए ये वाला जो मिक्सचर बना है इसमें जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं पूरे मिक्सचर के अंदर। यानी ये बराबर रूप से क्या है, पूरे मिक्सचर में फैल गए हैं, हर जगह पार्टिकल क्या है, इक्वली सेपरेटेड है। यहाँ पे क्या है, पार्टिकल सारा नीचे बैठ गया, ऊपर पार्टिकल धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, ऊपर पार्टिकल कम है नीचे ज्यादा है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इसे बोलते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे मिक्सचर जिसमें क्या हो, पार्टिकल सारे के सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, या हम लोग बोल सकते हैं ऐसा मिक्सचर जो क्या हो, बनने के बाद पूरा एक एक बराबर लगे। यहाँ पे अगर मैंने पानी में शुगर को ऐड कर दिया तो जो मिक्सचर बन के आएगा वो वाटर के जैसा ही होगा, वहां पे हम बता नहीं पाएंगे कि वाटर के पार्टिकल किधर हैं, शुगर के पार्टिकल किधर हैं। यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि चाक के पार्टिकल यहाँ यहाँ हमें दिख रहे हैं, ठीक है, वाटर के पार्टिकल्स तो रहते ही हैं इक्वली, लेकिन चाक के पार्टिकल यहाँ पे क्या होंगे, दिखेंगे, यानी अच्छे से इसमें डिजॉल्व नहीं है।
तो ये जो मिक्सचर है इसे हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो मिक्सचर है इसे क्या बोलेंगे, होमो जीनियस। और इस वाले मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस, हेट्रो जीनियस। तो देखिए दो तरह के मिक्सचर बन गए, एक बन गया हमारा होमोजीनियस मिक्सचर और एक बन गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये जो होमोजीनियस वाला मिक्सचर है इसी मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो यहां पे हम लोग समझ लिया हम लोगों ने कि सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर देन टू कंपोनेंट का। तो यहां पे हम देख रहे हैं कंपोनेंट्स मतलब क्या होता है, जिस चीज से मिक्सचर बना हुआ है। तो ये एक कंपोनेंट, इसमें एक शुगर है और एक कंपोनेंट है वाटर। ऐसा जरूरी नहीं है कि दो ही कंपोनेंट हो, कंपोनेंट मैंने क्या बोला, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ही सॉल्यूशन होता है। और सॉल्यूशन को डिफाइन करना होगा तो बोलेंगे ठीक, होमोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर देन टू कंपोनेंट का। तो यहां पे तो कंपोनेंट केवल दो ही है। अगर मान लेते हैं इसमें मैंने एक और कंपोनेंट ऐड कर दिया, इसमें मैंने एक और ऐड कर दिया ग्लूकोज या मैंने कोई साल्ट ऐड कर दिया, तो वो भी क्या होगा, इसी पानी के अंदर डिजॉल्व इजिली हो जाएगा। तो कंपोनेंट दो से अधिक भी हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं केवल, लेकिन उसके बाद क्या होना चाहिए, वो होमोजीनियस मिक्सचर केवल बनना चाहिए। तो ये हमें ध्यान दे के चलना है। तो होमोजीनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन बोलते हैं। अब देखिए हम लोग बात करेंगे जो सॉल्यूशन बन गया, अब उस सॉल्यूशन के अंदर जो इसके कंपोनेंट्स हैं, एक हमारे पास ये शुगर और एक क्या हो गया, वाटर हो गया, यानी एक सॉलिड और एक लिक्विड फॉर्म में है। तो जरूरी ऐसा भी नहीं है कि दो कंपोनेंट हमेशा सॉलिड और लिक्विड स्टेट में ही हो, ये लिक्विड भी हो सकता है। तो हमें ये ध्यान देके चलना है ठीक, कोई ये कंपोनेंट गैस हो सकता है, ये हमारे पास क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। तो जो कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट है वो हमेशा ठीक अलग अलग हो सकता है। और अगर बात की जाए इसमें कौन कौन से यूनिट्स होंगे इस कंपोनेंट के, तो उस यूनिट के अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे कंसंट्रेशन के। तो यहाँ पे हम लोग पहले आइए बात करते हैं सॉल्यूशन। तो हम लोग समझ लिए कि होमोजीनियस मिक्सचर है, इस तरह का मिक्सचर ही क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। अब बात करेंगे देखिए इसका कंसंट्रेशन क्या होता है। तो आइए समझ लेते हैं थोड़ा सा हम लोग कंसंट्रेशन क्या है। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए बताया गया है, बात करेंगे कंसंट्रेशन की। तो ये देखिए लिखा गया, इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है उसे हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, ये कंसंट्रेशन को डिफाइन कर रहा है। तो जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लें और चीजों को समझने की कोशिश करें, जैसे अगर मैंने यहां पे ले लिया एक सॉल्यूशन, इसमें ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लोगों ने देखा था कि इसके दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। तो जो कंपोनेंट देखिए स्मॉल अमाउंट में होता है, जैसे अगर मैंने इसमें ऐड कर दिया शुगर, तो शुगर का अमाउंट कम है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सॉल्यूट ठीक। और हमारे पास एक कंपोनेंट है वाटर, तो इसे क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, यानी जो एक कंपोनेंट लेस अमाउंट में होगा उसे बोलेंगे सॉल्यूट, और जो ज़्यादा होगा उसे क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। तो ये कम है, ये क्या है, ज़्यादा है। और जो सॉल्यूशन बन के आता है, ये जो सॉल्यूशन बन के आया वो सॉल्यूशन कैसा है, तुम्हारा जो होल सॉल्यूशन है वो तो लिक्विड फॉर्म में ही है, और लिक्विड फॉर्म में और कौन है, वाटर भी क्या है, लिक्विड फॉर्म में ही है, जबकि शुगर क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में है। तो हम लोग ये चीज और समझ सकते हैं कि जो सॉल्यूशन का फिजिकल नेचर है वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है हमेशा। तो क्योंकि सॉल्वेंट जैसा ज्यादा अमाउंट में है तो सॉल्यूशन भी क्या होगा, ज्यादा वाले अमाउंट को ही फॉलो करेगा। इतना चीज तो हम लोग ने समझ लिया सॉल्यूशन के बारे में। बात कर रहे थे कंसंट्रेशन की, तो कंसंट्रेशन क्या दिखा रहा है, सॉल्यूट का कितना अमाउंट है सॉल्यूशन के 1 लीटर के अंदर। तो अगर मैंने यहां पे एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें मैंने क्या कर दिया, कुछ अमाउंट में शुगर ऐड कर दिया, जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है 1 लीटर, ये हमारे पास क्या है, कोई सॉल्यूशन है। इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर मान लेते हैं ठीक है कि 10 ग्राम शुगर डिजॉल्व है। 1 लीटर के अंदर क्या है, 10 ग्राम शुगर मैंने डिजॉल्व कर दिया। एक सॉल्यूशन मैंने और बनाया जिसमें क्या है, ये भी 1 लीटर का ही सॉल्यूशन है,
ये भी क्या है 1 लीटर का सोल्यूशन, लेकिन इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने ऐड कर दिया शुगर 20 ग्राम। तो सिंपल सी बात है, अगर टेस्ट करेंगे तो 20 ग्राम वाला जो सोल्यूशन होगा वो ज्यादा मीठा दिखेगा लगेगा हमें, और 10 ग्राम वाला क्या होगा, ये कम मीठा होगा। तो ये ज्यादा मीठा लग रहा है, ये कम है, तो इसका मतलब क्या है कि जो कंसंट्रेशन है इस वाले सॉल्यूशन का जिसमें 20 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व है, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, इसके कंपेयर में ज्यादा होगा। तो कंसंट्रेशन यही बस दिखाता है कि सॉल्यूट का कितना अमाउंट है किसी भी फिक्स वॉल्यूम या बोल सकते हैं हम लोग 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। तो यहां पे सॉल्यूशन दोनों क्या थे, वॉल्यूम में फिक्स थे, लेकिन उसमें जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट बढ़ने से कंसंट्रेशन हमारा क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो अब यहां पे देखिए एक चीज और हमें ध्यान देना है। तो सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या करना है, एक चीज और ध्यान देना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में, कि जब भी हम लोग कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, ये दो कंपोनेंट जनरली होंगे। दो कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी का मतलब क्या होगा, इसके दो पार्ट हो, एक सॉल्यूट हो एक सॉल्वेंट हो, और सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो किस किस टर्म में हो सकता है, उसका यूनिट क्या क्या हो सकता है। सॉल्यूट को हम लोग ग्राम में ले सकते हैं, ml में ले सकते हैं, मोल में ले सकते हैं, और जो सॉल्वेंट होगा सेकेंड कंपोनेंट उसका क्या क्या हम लोग यूनिट ले सकते हैं। तो सॉल्वेंट ग्राम में, ml में, लीटर में, kg में, मोल में, वो अलग अलग होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूले को बनाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे कोई सॉल्यूशन बना दूं और इसके कंपोनेंट को यहाँ पे मैं लिखूं, तो हमारे पास क्या, ये कोई सॉल्यूशन हो गया। अब मान लेते हैं इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने ऐड कर दिया एक सॉल्यूट और ऐड कर दिया एक सॉल्वेंट। तो अगर मान लेते हैं हमारा जो सॉल्यूट है, ये जो सॉल्यूट है यहां पे, इस सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो मान लेते हैं ग्राम में है। जैसे मैंने लिया था ना 10 ग्राम ऑफ शुगर, तो 10 ग्राम मान लेते हैं, या कोई भी हम लोग सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो ग्राम में लेते हैं। ठीक, कभी कभी सॉल्यूट अगर लिक्विड फॉर्म में है तो उसे हम लोग एमएल में भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक हमारा यूनिट क्या होता है, मोल। ठीक है, मोल को हम लोग आगे समझेंगे। तो मोल क्या दिखाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल को दिखाता है, जो कि हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ लिया है। तो एक मोल, दो मोल, तीन मोल, इस तरह सॉल्यूट भी हो सकता है। तो सॉल्यूट का जो अमाउंट है ग्राम के अंदर, एमएल के अंदर और मोल में होता है। ठीक, उसके बाद जो सॉल्वेंट हमें लेना है यहाँ पे, तो सॉल्वेंट कभी कभी ग्राम में भी होगा, ml के अंदर होगा, लीटर में होगा, kg में होगा और मोल में भी होगा। तो सॉल्वेंट के लिए देखिए ज्यादा हमारे पास यूनिट है। तो इन सबको मिक्स करके या इन सबको मिला के हम लोगों को क्या करना है, अलग अलग टाइप के कंसंट्रेशन टर्म को बनाना है। यानी जो हमारे पास जो यूनिट है कंसंट्रेशन टर्म के लिए, या सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो यूनिट है, उस यूनिट को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेशन को निकालेंगे। तो उससे कई सारे फॉर्मूले बनेंगे। तो पहला देखिए है क्या, यहां पे अगर मान लेते हैं ये भी ग्राम में है और ये भी क्या है, ग्राम में। तो जब दोनों ग्राम के अंदर होंगे सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो वहां पे हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आएगा जिसे क्या बोलेंगे, मास परसेंटेज। तो इन दोनों से मिलकर क्या फॉर्मूला बनेगा, मास परसेंटेज का। ये भी ml, ये भी ml, जब भी दोनों क्या होंगे ml में रहेंगे, तो वहां पे जो फॉर्मूला बन के आएगा उसे बोलेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। अगर एक हमारा ग्राम में है, दूसरा क्या है, ml के अंदर है। ठीक, क्रॉस कर दें, इसके साथ इसको लिया मैंने, फिर इसके साथ इसको, फिर एक बार क्या लिया, इसके साथ इसको लिया, एक ग्राम में और दूसरा ml में, तो वहां क्या बन के आएगा फॉर्मूला, ठीक, मास वॉल्यूम परसेंटेज का। एक हमारा मोल में है, दूसरा लीटर में, तो फॉर्मूला बन के आता है मोलैरिटी का। एक अगर मोल में है, दूसरा केजी में, तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा, मोलैलिटी का। एक मोल में है, दूसरा भी क्या है, मोल के अंदर ही है, तब फॉर्मूला बन के आएगा मोल फ्रैक्शन का। तो इन सभी के यूनिट को ध्यान में देते हुए, रखते हुए, कई तरह के कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो आज हम लोग कुछ कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर आइए देखते हैं हम लोग, पहला कंसंट्रेशन टर्म जिसे बोलते हैं मास परसेंटेज। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, मास परसेंटेज, और ब्रैकेट में लिखा गया है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। यहां पे क्या है, एक स्मॉल डब्ल्यू होगा और एक क्या होगा, कैपिटल डब्ल्यू होगा। तो ये वाला जो डब्ल्यू है मैं इसको लिख देता हूं, ये क्या है, स्मॉल डब्ल्यू है, ये क्या है, कैपिटल डब्ल्यू है।
तो देखिए मास परसेंटेज क्या डिफाइन कर रहा है, तो मास परसेंटेज की अगर बात करेंगे तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का के अंदर या तो हम लोग सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकालें या सॉल्वेंट का मास परसेंटेज निकालें, तो उसके लिए देखिए फॉर्मूला बन के क्या आएगा, तो यहां पे देखिए होगा क्या, मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज को हम लोग क्या लिख रहे हैं, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। तो देखिए पहले पहले में ध्यान क्या देना है, स्मॉल डब्ल्यू क्या दिखा रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट को, और ये किसमें होगा, ग्राम के अंदर। कैपिटल डब्ल्यू क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है मास ऑफ सॉल्वेंट को, और ये भी किसमें है, ग्राम के अंदर है। तो आइए फॉर्मूला बनाते हैं मास परसेंटेज का। तो मास परसेंटेज क्या है, तो यहां पे हमें क्या लिखना है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, नहीं सॉल्यूशन, यही हमें ध्यान देके चलना है, इन ग्राम इनटू 100। ये बन गया हमारा मास परसेंटेज का फॉर्मूला, यानी सॉल्यूशन के कितने ग्राम में सॉल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट है, और उसे उसका निकालना है क्या हमें परसेंटेज, तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो हमारा हो गया मास परसेंटेज, ये क्या बन गया, ये बन गया फॉर्मूला मास परसेंटेज के लिए। तो देखिए इस फॉर्मूले का यूज क्या है, ये समझते हैं थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल लेके। तो अगर इस तरीके से कहीं हमारे पास मास परसेंटेज निकालने दे दिया और उससे पूछ रहा है कि बताइए कितना अमाउंट है सॉल्यूट का, परसेंटेज दिया है, क्या पूछ रहा है, सॉल्यूट का अमाउंट पूछ रहा है या सॉल्वेंट का अमाउंट पूछ रहा है, तो वहां से हम लोग कैसे देखिए फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल गिवेन है हमारे पास और उसमें लिखा गया है 10%, ठीक है, डब्लू अपॉन डब्लू, या लिखा गया है 10% बाय मास, ठीक इस तरीके से कुछ लिखा गया है 10% डब्लू अपॉन डब्लू या 10% बाय मास ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो इसका मतलब हमें देखिए समझना है, इस पे न्यूमेरिकल बहुत कम पूछते हैं ऐसे फॉर्मूले पे, हमें ध्यान क्या देना है कि मास परसेंटेज का मतलब क्या है, मास परसेंटेज क्या बताना चाह रहा है। तो अगर यहां पे ऐसे लिखा गया है या ऐसे लिखा गया है तो इसको देख के हमें समझ जाना है कि इसका मतलब क्या निकल के आएगा। तो इसका देखिए मतलब यही निकल के आएगा कि 10 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूट कितना हो जाएगा, ठीक है सॉल्यूट नहीं सॉल्वेंट बचेगा जो 90 ग्राम। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इस चीज को हमें फाइंड आउट करना है, यानी 10% का मतलब ही होता है कि 100 ग्राम, देखिए 10% बाय मास लिखा है या डब्लू अपॉन डब्लू लिखा है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि दोनों क्या है, ग्राम में है, या दोनों का हमें क्या करना है, वेट लेना है। तो 10% डब्लू अपॉन डब्लू का मतलब ही क्या है कि 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, परसेंटेज में है, तो क्या होगा 10 ग्राम किसमें होगा, 100 ग्राम में होगा, बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट होगा, क्योंकि जब 10 हमारा सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट 90 होगा, तभी सॉल्यूशन क्या हुआ 100 बना हुआ है। तो हमको इस चीज का मतलब केवल क्या करना है, समझना है इस फॉर्मूले को देखते हुए, यानी ये हमारे पास क्या है, कोई आंसर गिवन है जिसका मैंने क्वेश्चन यहां पे लिख दिया है, यानी हमें क्या करना है, आंसर देख के क्वेश्चन समझना होता है, इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं देता है। आगे जब हम लोग कंसंट्रेशन टर्म और देखेंगे, मोलैरिटी वाला या मोल फ्रैक्शन वाला, तब हमें इसका मतलब समझ में आएगा कि ये ऐसा क्यों हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये तुम्हारा पहला बन गया मास परसेंटेज। अब बात करेंगे हम लोग सेकेंड फॉर्मूले की तरफ चलेंगे, आइए देखते हैं, इसको करिए नोट पहले। देखिए हमारे पास जो दूसरा फॉर्मूला बन के आता है इसका नाम क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें क्या लिखा गया है, V अपॉन V। तो ये वाला जो V है वो कौन सा V है, ये है स्मॉल V और ये रहा हमारा कैपिटल V। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं जो स्मॉल V क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को, क्योंकि सॉल्यूट का अमाउंट कम है इसलिए इसके लिए स्मॉल V यूज किया गया है, और ये हमेशा किसमें होगा, ml के अंदर होगा। और जो कैपिटल वी है ये क्या दिखा रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को, और सॉल्वेंट के लिए क्या यूज करेंगे,
कैपिटल वी, और इसका यूनिट क्या होगा, एमएल में होगा। आइए फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे मैंने फॉर्मूला पहले बनाया था वैसे ही लिखेंगे हम लोग, वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यहां पे क्या लेना है हमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन एमएल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किसमें होगा, एमएल के अंदर, और इनटू कर देंगे 100। तो जैसा वहां पे मास लिया गया था, देखिए क्वेश्चन में कभी कभी मास वेट दोनों हम लोग बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे क्या है, हमें वॉल्यूम लेना है, इसका भी क्या लेना है, वॉल्यूम लेना है। तो दोनों का हमें क्या लेना है, वॉल्यूम, सॉल्वेंट का भी और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसा मैंने पहले लिया था वैसे ही अगर एग्जांपल की बात करें, मान लेते हैं हमारे पास इस तरह का एग्जांपल गिवन है जिसमें लिखा गया है 25% बाई वॉल्यूम, या लिख दिया है 25% स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी। और हम लोग ले लेते हैं कोई एक सॉल्यूशन, क्या ले लें, यहां पे मैं ले रहा हूं एल्कोहल सॉल्यूशन, एल्कोहल सॉल्यूशन। तो इसे देख के हमें बताना है कि कितना परसेंट एल्कोहल, कितने ग्राम एल्कोहल यहां पे प्रेजेंट है, या सॉरी कितने एमएल एल्कोहल यहां प्रेजेंट है, क्योंकि वॉल्यूम की बात करें तो एमएल में होगा। तो 25% बाय वॉल्यूम या 25% वी अपॉन वी का मतलब क्या है, जैसे हम लोगों ने मास वॉल्यूम निकाला था कि 10% डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू का मतलब क्या है, 100 ग्राम में 10 ग्राम। तो उसी तरीके से 25% वी अपॉन वी का मतलब क्या है कि 25 एमएल प्रेजेंट है यहां पे, इसका मतलब निकालेंगे अगर, यहां पे क्या हो जाएगा 25 एमएल एल्कोहल, ठीक, प्रेजेंट इन या डिजॉल्व इन, प्रेजेंट इन 100 ml, क्योंकि हमें क्या करना है, दोनों ml में है, सॉल्यूशन भी क्या है ml के अंदर ही है, तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, और जो बाकी बचा वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कितना हो गया, सॉल्वेंट बचेगा 75 ml, जैसा सॉल्वेंट वैसा सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम लोगों को चीजें को समझना है, इसको देख के हमें बता देना है कितना ml प्रेजेंट है सॉल्यूट का। तो ये बन गया हमारा वॉल्यूम परसेंटेज, इसको भी कर लीजिए नोट। अब देखिए आज का हमारा जो लास्ट फॉर्मूला है जिसे बोल रहे हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। अब यहां पे क्या है, मास का भी यूज है और वॉल्यूम का भी यूज है। अब इसे हम लोग समझ सकते हैं, दोनों फॉर्मूले को अगर मिक्स कर दिया जाए तो एक का हमें लेना है मास और दूसरे का लेना है वॉल्यूम, यानी सॉल्यूट का क्या लेंगे, सॉल्यूट का लेंगे मास और सॉल्वेंट का लेंगे वॉल्यूम। यानी हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन बना है यहां पे जिसमें सॉल्यूट क्या है ग्राम के अंदर है और जो सॉल्वेंट है वो क्या है एमएल में है। तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल वी से। अगर स्मॉल डब्ल्यू की बात की जाए तो ये क्या बन जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, और जो कैपिटल वी है ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। फॉर्मूला बनाया जाए तो फॉर्मूला अगर बनाया जाएगा इसका तो यहां पर क्या लिखेंगे, मास वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, ये किसमें होना चाहिए, ग्राम के अंदर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमेशा ध्यान देना है कि हमें जो अपॉन में लिखना है वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिखना है, ना कि सॉल्वेंट का। यहां पे जो स्मॉल कैपिटल वी दिख रहा है हर फॉर्मूले के अंदर वो क्या है, सॉल्वेंट के लिए है, यहां पे हमें क्या लेना है, सॉल्यूशन लेना है। तो इस चीज को ध्यान देके चलना है और 100 से मल्टीप्लाई भी करना है। अगर इसे हम लोग को बनाना है एक फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म में, या हम लोग इस तरह से फॉर्मूला अगर इसका लिखेंगे तो देखिए सॉल्यूट के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, स्मॉल डब्ल्यू, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो वॉल्यूम जब भी निकालेंगे सॉल्वेंट और सॉल्यूट को दोनों क्या करेंगे, ऐड करना पड़ेगा यहां पे। तो जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होके बन के आएगा वो कितना होगा, तो सॉल्यूशन के अंदर क्या है, सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है। तो इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, इसके ग्राम को और इसके एमएल को, ठीक, हमको पता है कि जो सॉल्यूशन यहां पे बन के आएगा इन दोनों से, तो वो सॉल्यूशन किसमें होगा, एमएल में ही तो होगा, क्यों,
क्योंकि ग्राम को जब एमएल में डालेंगे तो एमएल वाला अमाउंट क्या है, सॉल्वेंट का है, एमएल वाला ज्यादा है तो जो सॉल्यूशन बन के आएगा वो भी क्या होगा, एमएल के अंदर ही होगा, क्योंकि फिजिकल स्टेट इसका किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, यहां पे लिखा जाएगा स्मॉल डब्ल्यू प्लस कैपिटल वी इंटू 100। इसको शॉर्टकट में इस तरीके से हम लोग फॉर्मूले को बना सकते हैं, तो जब भी क्वेश्चन आए तो हमें ये ध्यान देके चलना है। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो यहां पर एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, आइए यहां पर अगर एग्जाम्पल लिया जाए इसके लिए, तो मान लेते हैं यहां पे इस तरह का लिखा गया है कि 20% W अपॉन बी NaCl सॉल्यूशन। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है 20% W अपॉन बी NaCl सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या निकल के आया, इसका मतलब केवल यही है कि 20 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम नहीं, अब क्या लिखेंगे 100 ml, क्योंकि यहां पे क्या है वॉल्यूम है, इन 100 ml सॉल्यूशन, और जो बाकी बचेगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट। एंड सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट हमेशा सॉल्यूशन के फिजिकल नेचर पे ही डिपेंड करता है, जो सॉल्यूशन जो बचा हुआ होगा 80 ml वही क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ml क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये 20 ये हो गया, 100 ये हो गया, बचेगा जो सॉल्वेंट 80, लेकिन ये ग्राम में नहीं होगा, किसमें होगा, ये ml में, क्योंकि सॉल्यूशन किसमें है, ml के अंदर है। तो इस चीज को हमें यहां पे समझना था। तो ये तीन कंसंट्रेशन टर्म्स हो गए, इसको भी करिए पहले नोट। तो ये बन गए हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स के फॉर्मूलेज, जो कि काफी यूजफुल है, जिसमें हमें पहला वाला ही फॉर्मूला ज्यादातर ध्यान देकर चलना है, मास परसेंटेज वाला, जिसमें ज़्यादातर उसका यूज होता है, जैसे मोलैलिटी मोलैलिटी ये सब जब हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, तो वहाँ पे दिया होगा इस तरह से क्वेश्चन के अंदर कि 20% बाई मास, या लिखा होगा 20% डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, ठीक है, ग्लूकोज सॉल्यूशन कुछ भी दिया होगा। तो उस चीज़ से हमको समझना कि कितना ग्राम हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो बस यही निकालने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत ही रेयर केस में पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी ईजी क्वेश्चन इसमें होंगे। अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो वहां पे क्या होगा, सॉल्वेंट का अमाउंट दिया होगा और सॉल्यूट का अमाउंट दिया होगा, तो हमें करना क्या होगा, सॉल्यूट का अमाउंट रखेंगे ऊपर और नीचे सॉल्वेंट का अमाउंट रखेंगे। अब अमाउंट चाहे एमएल में हो चाहे ग्राम में हो, हम लोग तीनों फॉर्मूले को देख लिए हैं, और सॉल्वेंट सॉल्यूट के अमाउंट ऊपर रखेंगे, सॉल्वेंट के अमाउंट को नीचे नहीं रखेंगे। नीचे क्या रखना है, हमें सॉल्यूशन रखना है, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट को ऐड करके नीचे रख के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा परसेंटेज। जैसे अगर बात की जाए कुछ किसी क्वेश्चन की, तो यहां पे जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि 10 ग्राम ठीक ग्लूकोज है इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। 10 ग्राम ग्लूकोज कहां है, 90 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, और पूछ दिया कि बताइए सॉल्वेंट कितना परसेंट है या सॉल्यूट कितना परसेंट है, परसेंटेज ठीक है, फाइंड मास परसेंटेज ठीक, या हाँ इस तरह से मान लीजिए पूछ दिया फाइंड मास परसेंटेज, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें कुछ करना नहीं है। तो यहां पे हमें क्या निकालना है, मास परसेंटेज निकालना है। तो मास परसेंटेज निकालने के लिए करेंगे क्या, सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट है हमें पता है 10 ग्राम, और नीचे क्या रखते हैं, सॉल्यूशन रखते हैं, सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे हमें 10 और 90 को ऐड करेंगे, तो आ गया 100 और इंटू 100 कर देना है, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 10, ग्राम से ग्राम कैंसिल आ जाएगा 10%, यानी 10% हमारे पास क्या है, ग्लूकोज इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। और ये देखिए पूछा क्या है, फाइंड मास परसेंटेज किसका निकालना है, ये नहीं बताया है कि सॉल्यूट का निकालना है कि सॉल्वेंट का, केवल लिखा है क्या मास परसेंटेज। अगर इसी बात पे अगर हम लोग यहां पे जो मास परसेंट मैंने निकाला है, ये मैंने निकाला है किसका, सॉल्यूट का ठीक। अगर हमें सॉल्वेंट का भी निकालना होगा तो हम देखिए दो काम कर सकते हैं, अगर हमें सॉल्वेंट का भी निकालना होगा क्या मास परसेंटेज, तो यहां पे हम लोग एक काम और कर सकते हैं, एक काम और क्या करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे 90 रख देंगे, नीचे 100 रख के 100 मल्टीप्लाई 90% हो जाएगा, तो ये भी काम कर सकते हैं। या तो हमें जब पता है कि 100 ग्राम पूरा सॉल्यूशन है, उसमें 10 ग्राम सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट कितना होगा, जो बचा होगा वही सॉल्वेंट होगा, तो सीधे सीधे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे 100 माइनस 10 कर देंगे, तो क्या आ गया 90%, ये दूसरा वाला आ जाएगा, जो कि काफी
सिंपल है। तो ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग लगा लेंगे। मास की जगह कभी कभी क्या होगा, वॉल्यूम देगा, तो उसके लिए भी मैंने फॉर्मूला बताया है, ठीक है, मास और वॉल्यूम दोनों देगा तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे थे कंसंट्रेशन टर्म्स, जिसमें हम लोगों ने देखा मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो इन तीन कंसंट्रेशन टर्म के बाद हम लोग कल चलेंगे अगले वीडियो की तरफ, जिसमें हम लोग को और जो मेन कंसंट्रेशन टर्म्स के फॉर्मूले हैं, जिसमें इन सभी फॉर्मूलों का यूज होने वाला है, उसे हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तो इस वीडियो करते हैं समाप्त, पढ़ाई को रखिए जारी। थैंक यू।